एक दिन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले विल मॉर्गन अपनी कार से जा रहे थे, तभी एक ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ, वहां खड़े सभी लोगों को लगा अब विल मॉर्गन नहीं बच पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। हॉस्पिटल जाने के बाद विल मॉर्गन को डॉक्टरों ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों को लगा कि ये नहीं बच पाएंगे। उसके बाद 14 दिन कोमा में रहने के बाद जब डॉक्टर को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी अचानक 10 मिनट के बाद लकीली इनकी सांसें चलने लगी। और वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुई अब, और उसके बाद इनके फैमिली मेंबर ने इनको इनके लिए एक लॉटरी रखी, जिसको स्क्रैच करने के बाद इनको लगभग $17,000 की लॉटरी लग गई। फिर न्यूज़ में ये बात पता चली, उसके न्यूज़ वालों ने वही सेटअप फिर से लगाया और इन्हें फिर से एक लॉटरी का कार्ड दिया गया और फिर से लकीली इनको लगभग $25,000 की लॉटरी लग गई। देखा कैसी किस्मत थी इनकी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।